हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, जिसके लिए मैंने एक कुकर में जितनी दाल लेनी है उससे चार गुना ज़्यादा मैंने पानी ले लिया है। अब मैंने इसमें चार कटोरी पानी ऐड कर दिया था। उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चने की दाल ली। इसको एक पैन में निकाल लिया और इसको पानी से अच्छी तरह से धो लिया। इसको अच्छी तरह से मैं हाथों से मलकर साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें जो दवाइयाँ वगैरह लगी होती हैं वो सारी उतर जाए। इसको मैं चार से पांच बार पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और सारा पानी मैं ड्रेन कर दूँगी। उसके बाद ये जो दाल है हमारी साफ़ हुई धुली हुई, इसको हम कुकर में डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि ये तेज़पत्ता हो गया, एक इलायची हो गई, एक काली मिर्च और लौंग हो गया। अगर मोटी इलायची होती तो वो सबसे बेस्ट होता, मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी डालेंगे बनाने के लिए दाल, और अभी इसको एक से दो उबाल आने तक इसको खुला ही रहने देंगे। उसके बाद में इसको लिड लगाएंगे, ढक्कन लगाकर, और विसने के लिए कुकर को रहने देंगे। अभी इसकी ये फर्स्ट विसल थी, इसको अभी हम पांच या छह विसल लगवाएंगे। उसके बाद खोल कर देखेंगे दाल कैसी बनी है। जब तक दाल बन रही है दूसरी साइड पर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये जो प्याज है मैंने छील कर रखे हुए थे तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको इस तरह से मैं ब्रिक कट कर रही हूँ तड़के के लिए, और ऐसे ही मैंने और चीज़ें जो तड़के में डलती हैं वो भी छील कर रखी हुई हैं साइड पर, वो भी मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ कि मैं तड़के में क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से ये प्याज जो है ये मैंने बारीक कर ली है। ये छोटे प्याज थे तो लगभग ये तीन प्याज थे मेरे पास, तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। अभी मैं लेने जा रही हूँ लहसुन की कलियाँ, ये 8 से 10 कलियाँ जो मैंने ले ली हैं, और इसके बीच में कट लगाकर ब्रिक कट कर लिया मैंने इनको। सारी कलियों को वन बाय वन मैं कट कर लूँगी। इसको थोड़ा बारीकी रखूँगी मैं कि तड़के में तो बारीकी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मैंने लिया ये अदरक का पीस, उसको हम जैसे लहसुन कट किया है लहसुन की कलियाँ वैसे इसको भी कट कर लेंगे। ये जो अदरक है इसको भी अब हमने कट कर लिया। ऐसे करके आप कट लगा के इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर सकते हो अदरक को। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें मैंने कट कर ली हैं, प्याज, लहसुन और अदरक। इसके अलावा मैं अब दो टमाटर ले रही हूँ जिनको मैंने धोकर इसमें रख लिया है प्लेट में। इसको अभी हम यूज़ नहीं करने वाले, इसलिए अभी हमने इसको कट नहीं किया। मैं आपको बताऊँगी इसको कब डालना है। और इसके अलावा हमने हरी मिर्च जो है तड़के में डालनी है, वो मैं कट कर लेती हूँ। लगभग मैंने तीन मिर्च ली थी हरी, वो मैं कट कर रही हूँ। इसको भी अभी नहीं हमने तड़के के साथ डालना, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे इसको कब डालना है हरी मिर्च को। अगर आप पहले तड़के में तेल में डाल दोगे तो ये बहुत इसका जो कड़वापन है वो आँखों में लगेगा और आपको खांसी वगैरह भी आ सकती है, और इसलिए आप इसको बाद में डालेंगे, तड़के में बाद में डालेंगे। चलो अब ये देखते हैं कि कुकर की विसल सारी हवा निकाल कर कुकर खोल लेते हैं, देखते हैं कि दाल कैसे बनी है और कितनी अभी रहती है बनने के लिए। ये लगभग बनी चुकी है, अभी देखते हैं इसको। अभी ये अच्छी तरह से नहीं गली, इसको हम यही करछी या चम्मच की हेल्प से ऐसे ही मैश करेंगे थोड़ा सा,
पर अभी इसको और ज़रूरत है थोड़ा पकने की। इसको आप एक विसल वन विसल और भी लगवा सकते हो, अगर नहीं लगवाने तो आप खुली भी इसको पका सकते हो। ये देखिए जो तेज पत्ता हमने डाला था इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसे अब निकाल सकते हो। और चलो दूसरी साइड पर हमने उसको दाल को रख दिया। इस गैस पर हमने ऑन किया गैस और इसको इसके ऊपर पैन रख लिया, तेल डाला और तेल को गर्म कर लेते हैं हम। पहले इसमें सबसे पहले हम डालेंगे साबुत जीरा, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ में ही लहसुन की कली हम डाल लेंगे। लहसुन मैं सबसे पहले डालती हूँ क्योंकि ये थोड़ा रोस्टेड सा ही अच्छा लगता है, थोड़ा ब्राउन सा ही अच्छा लगता है, कच्चा नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने पहले ये डाल दिया है और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक रहने दिया। उसके बाद में इसमें मैंने अदरक और प्याज को भी ऐड कर दिया। अभी हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेते हैं ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तेल में अच्छी तरह से एक सार हो जाए। और दूसरी साइड जहाँ पे हमने हरी मिर्च कट करके रखी है, अब उसके साथ ही हम टमाटर भी कट कर लेते हैं। ये टमाटर का ऊपरी हिस्सा मैंने जो है वो कट कर लिया है। उसके अलावा मैं अब इसको ऐसे कट लगा कर इसको कट कर लूँगी। ऐसे इसको ब्रिक कट कर लेना है ताकि इसको गलने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और ये कच्चा ना रहे। किसी भी दाल सब्जी में अगर आप टमाटर डालते हो ना तो उसको अच्छी तरह से पकाओगे तो आपकी कभी भी दाल सब्जी ख़राब नहीं होगी। अगर आप कच्चा डाल देते हो, पका नहीं होता अच्छी तरह से तेल में, तो वो फिर सब्जी वगैरह दाल वगैरह ख़राब हो जाती है। ऐसे ही हमने दूसरा टमाटर भी लिया और उसको भी स्लाइसेस में ऐसे कट लगा कर उसको बारीक कट कर लिया। चलिए अब देखते हैं हमारा तड़का कहाँ तक पहुँचा है। ये हमारा तड़का भी ब्राउन हो रहा है। दूसरी साइड मैंने दाल रखी हुई है जो कि मुझे अभी बनी नहीं लग रही थी पूरी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर और पकाने के लिए रखा हुआ है। चलो अब तड़के पर फोकस करते हैं ताकि ये जल ना जाए। देखिए फ्रेंड्स ये हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे वही कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। यहाँ पे हमने अब हरी मिर्च डाली है। यहाँ पे ये है कि अभी थोड़ा ही समय रह गया ये पकने के लिए, तड़का पकने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है। और टमाटर के साथ डालोगे तो इसके जो कड़वापन है वो आँखों में नहीं लगेगा और आपको खांसी वगैरह नहीं आएगी। चलो अभी टमाटर को गलने की वेट करते हैं। इसको अभी 2 मिनट के लिए रहने दिया मैंने। अभी ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं, इसको मैं करछी की हेल्प से इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि ये और पक जाएं अच्छी तरह से। लगभग मैं सारे टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ तड़के के बीच में। और अभी इसको 2 या 3 मिनट और पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट जो आपका है तड़का वो पक चुका है। और ये जो तड़का हमने इसमें डाला है आप देख सकते हैं कि इसने तेल छोड़ दिया बिल्कुल। इसका ये मतलब होता है कि आपका तड़का पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाले के जो फ्लेवर हैं वो भी आ जाएं। इसको भी लगभग 1 मिनट के लिए हम पका रहे हैं। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए। ये कड़वी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए होती है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल तेल अलग हो चुका है और तड़का भुनकर बिल्कुल अलग दिखने लगा है। चलिए अब हम इसी गैस पर अपना कुकर रख लेते हैं और ये जो तड़का हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारा जो तड़का तैयार किया था वो इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए दाल आपके सामने बनकर
तैयार हो चुकी है। ढाबा स्टाइल ये दाल है और इसमें बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पानी वाली पसंद करते हैं, बट मुझे दाल ऐसी पसंद थी तो मैंने ऐसी बनाई है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पतली चाहिए तो आप ये जो पानी की मात्रा है वो 5 कटोरी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी दाल जो है चने की बनकर तैयार हो गई है। चलो अब इसे हम सर्व करते हैं। ये सैलेड के साथ मैंने इसको, चने की दाल को सर्व किया और ऊपर इसके थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको आप चपाती के साथ, पूड़ी के साथ या फिर आप चावल के साथ भी इसको ले सकते हैं। अगर आपने चावल के साथ लेनी है तो इसकी थोड़ी सी तरी आप ज़्यादा बनाएंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, यम्मी दिख रही है और खाने में भी डेफिनेटली होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है दाल बनाने की तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हो हमारे चैनल पर देखना तो हमें मैसेज भी कीजिए उसमें कमेंट बॉक्स में और बताइए कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।